जिले में बारिश का मौसम आते ही दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के लोगों के माथे पर परेशानी की शिकंज नजर आती है, लेकिन विकास के दौर में नगर पालिका सूरजपुर दिन प्रतिदिन विकास से दूर होता जा रहा है, जिसका ताजा उदाहरण है वार्ड क्रमांक 17 में देखने को मिला है, जिसके बंडका पारा में बारिश की तस्वीर देखकर आप भी चूक जाएंगे। ये नजारा नगर पालिका का क्षेत्र है, यहाँ फिर किसी दूरस्थ पहुंची विहीन गांव की तस्वीर है। यहां बीते 3 सालों से बारिश के दिनों में वार्ड वासी किसी भी अभिशाप की तरह जीवन व्याप्त करते हैं, जहां जल निकासी का कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में थोड़ी देर की बारिश से चारों तरफ पानी भर जाता है, साथ ही वार्ड वासी आंदोलन करते थक चुके हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि सैकड़ों बार प्रशासन से गुहार लगाते हम थक चुके हैं, लेकिन प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है। बहरहाल प्रशासनिक अधिकारी तो पूर्व में कई बार दावा कर चुके हैं कि इस वार्ड की समस्या को दूर कर देंगे, लेकिन दावा किए हुए बस महीने 7 बीत रहे हैं, लेकिन हकीकत में अब तक तब्दील होगा ये तो तभी पता चलेगा जब प्रशासनिक जिम्मेदारों की मीडिया से दूरी खत्म होगी। लिहाजा वर्तमान में नगर पालिका सूरजपुर के वार्ड नंबर 17 में तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 3 साल हो गया ऐसी ही है। तो फिर स्कूल कैसे जाती हुई इसी में? हाँ। तो फिर जूता वगैरह तो सब भीग जाता होगा? हाँ भीग जाता है। तो कभी यहाँ पर इतने सारे नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, कोई नहीं आते यहाँ पर? आते हैं फिर चल जाते हैं। लेकिन स्थिति नहीं बदला? नहीं। और कहीं से भी पानी निकलने का कोई साधन नहीं है? नहीं। तो पूरा बारिश बचा हुआ है, फिर यही स्थिति रहेगा? हाँ। मेरा नाम संदीप है सर, मैं वार्ड क्रमांक 17 है। ये स्थिति सर 3 सालों से बनी हुई है सर, ऐसी मतलब कितने घर गिर गए और कितने घर गिरने वाले हैं इस साल भी, कोई कुछ नहीं करता सर। कितने अधिकारी आए, SDM आए, तहसीलदार आए, CMO आए, कोई कुछ नहीं कर पाए, सब आए देख के चले दे। नगर पालिका भी कुछ नहीं करती है, आती है देख कर चले जाती है, कुछ नहीं है। तीसरा साल है सर, मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है सर, 1 घंटा भी बारिश हुआ ये हाल है। मतलब कितने कच्चे घर गिर जाएंगे, मेरे बगल वाला मेरा घर है सर, पूरा पानी घुस जाता है सर, इस साल गिर जाएंगे सर कच्चे घर। क्या सरकार मुआवजा देगी सर, गिर जाएगी तो इसका? कितने बार सर, कितने बार 3 सालों में कितने बार आंदोलन नहीं किए हैं सर, कुछ नहीं हुआ सर। और अभी तो मान लीजिए 1 दिन बारिश होता है तो कई दिनों तक ये स्थिति बना रहता है? दो तीन दिन पानी निकलने में जाता है, ऐसी 2-3 दिन हो जाता है। मतलब अरे तो 12 महीना हम लोग झेल रहे हैं वैसे गंदगी यहाँ सर, 12 महीना। आप लोग ये 3 साल से बना हुआ है, कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी झेल रहे हैं। अगर 1 दिन बारिश होता है तो कई दिनों तक ये स्थिति रहता है? ये अभी से नहीं, ये कब से ऐसी स्थिति है, ये कितने दिन चले गए बारिश। तो फिर यहाँ आवागमन में भी आप लोग को निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है, और जो कच्चे के मकान है उनके लिए भी वो तो तकलीफ तो है ही है, कच्चे का मकान पूरा सीट जा रहा है, वो तो गिरने का स्थिति आ गया है। तो कभी वार्ड पार्षद हो गया, नगर अध्यक्ष या फिर कलेक्टर, SDM कोई यहाँ पर आके कोई कार्रवाई नहीं की? बहुत आए बहुत गए, आए और गए, काम हो भी नहीं, समस्या कुछ समाधान नहीं हुआ है तो आए और गए। ये 30-35 घर हो गए वहाँ स्कूल तक है। तो फिर पूरा पानी का स्थिति यही रहता है? बस यही तक रहता है, अगर पानी जाबे नहीं करता, पूरा घिरावा कर दिया है, इधर से जाता था आगू तो पूरा पैक कर दिया इधर, बहुत परेशानी है। आते आए गाय को कोई सुनाई हो भी नहीं करता है, SDM आए वो काम नहीं किया, पार्षद हो तो पार्षद वही हाल है, कोई काम नहीं करते हैं, कितना रिपोर्ट ऊपर रिपोर्ट गया कुछ काम नहीं होता है। तो कहा गए थे वही गिर पड़ जाते हैं, स्कूल में जाते जाते तो फिर घर चल देते हैं स्कूल में, ये यहाँ रोड में। प्रताप नारायण सिंह की रिपोर्ट।